तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू आसमां से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा बिन रहन करूं अब चैन करूं, सजदा तेरा सजदा बिन रहन करूं अब चैन करूं। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। जो ये कोई गाने का कंपटीशन नहीं है, एक व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, डेली लाइफ का व्लॉग है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा व्लॉगिंग का मतलब क्या है? व्लॉगिंग का मतलब है आप कहीं पे जाइए, आपका डेली लाइफ का वीडियो जो है वो अपलोड करिए, वही है व्लॉग वीडियोस। लॉकडाउन का टाइम में अगर कहीं पे घूमने नहीं जा सके तो वीडियो कैसे अपलोड करें, वही सबसे बड़ा टेंशन होता है एक ब्लॉगर का, जो कि मेरे साथ भी हुई है, अभी तक हो रहा है। यह अनलॉक डे वन, सो अच्छी बात है, मगर अभी भी ऐसी ऐसी जगह में हम जा नहीं सकते हैं जिस जगह में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना दिन से। सो फिर भी कोशिश करूंगा कि एक अच्छी लोकेशन पे आपको लेके चले। फिर भी गुवाहाटी में अभी हालत और बिगड़ रहे हैं, बाकी सब तो अनलॉक है, दुकान ऑफिस एवरीथिंग इज ओपन एक्सेप्ट जिम और स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल भी, शॉपिंग मॉल भी खोल दिया गया है अभी, तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम लोग अगर खुद केयर करेंगे, हम लोग अगर खुद संभलेंगे तो कोई कोरोना हमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमंस एवरी पीपल, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। जब तक कोरोना की मेडिसिन नहीं निकलेगी तब तक ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा। सो गाइस, मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं पे भी जाइए फुल ऑन तैयारी करके ही जाइएगा। मास्क तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा मास्क आ गया भाई, तो अभी मुझे जाना है 6 माइल जो कि मेरा एक काम है, तो इसीलिए मैं फुल तैयारी के साथ जाऊंगा। एक हो गया मास्क, एक हो गया हैंड सैनिटाइजर जो पॉकेट साइज है, ये हर टाइम आपके साथ रखना बहुत जरूरी होता है। कहीं पर भी जाइए कुछ भी करिए उसके बाद हैंड वॉश कर लीजिए, तो फिर काफी हद तक हम लोग यहाँ से बच सकते हैं कोरोना वायरस से। सो बी केयरफुल गाइज, अच्छी तरह से रहो, कोई भी ऐसा काम मत करो जिस काम से आपको बाद में पछतावा हो, सब कुछ ध्यान रख के ही करना, और बाकी दूसरों को भी आप जितना हो सके उन लोगों को अवेयर करें कि आपको गलत काम या फिर ऐसी काम नहीं करनी है जिससे आपको ये वायरस अटैक कर पाए। आज का एक सिंपल वीडियो था, मैं समझता हूँ कि आप सभी को काम ज़रूर आएगा, वैसे तो आपको भी पता है, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश है कि आपको भी मैं जितना हो सके हेल्प कर सकूँ, तो इससे भी अच्छा वीडियो ज़रूर मैं डालते रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट करिए, आज तक इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एन्जॉय आई होम, बाय बाय।